मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों ने धर्मशाला की सड़कों पर जमकर नारेबाजी की और जिलाधीश कार्यालय के बाहर मजदूरों ने अच्छी खासी नारेबाजी की। वहीं इन मजदूरों का कहना है कि धर्मशाला में जो श्रम अधिकारी बिठाया गया है वो अपनी मनमर्जी से मजदूरों को परेशान करता है। सरकार ने मजदूरों को कोई भी लाभ देना होता है तो ब्लॉक स्तर पर दिया जाता है, लेकिन श्रम अधिकारी लोगों को धर्मशाला बुलाता है और कोई भी चीज देनी हो तो उसके लिए लोगों को श्रम अधिकारी के कार्यालय में आना पड़ता है, जो कि मजदूरों के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के जॉब कार्ड भी समय पर नहीं भरे जाते हैं। मजदूरों के हक में उतरे प्रदेश इंटक महामंत्री सीताराम सैनी ने इस रैली की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग रखी गई कि जल्द से जल्द मजदूरों की मांगे पूरी की जाए और श्रम अधिकारी को कहा जाए कि मजदूरों को परेशान करना बंद करे, नहीं तो आंदोलन उग्र भी हो सकता है। तो उनको भी रजिस्टर कर देंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो रहा है। फिर तो यहाँ जो लेबर ऑफिसर बैठा दफ्तर बैठे हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। और एक बड़े दुख की बात है कि पहले 6 महीने पहले जिनका जो चेक आता था, बच्चों का था, शादी का था, मेडिकल का था, जहाँ वार्षिक मशीन आई, साइकिल आई, सोलर लैंप आया, जो जो चीजें थी वो ब्लॉक स्तर पर बांटी जाती थी। परंतु अभी 6-7 महीने से जो लेबर अधिकारी है वो मनमानी कर रहा है। 1000 का बच्चे का चेक हो उसको बैदा से टेलीफोन किया जा रहा है, वो आकर के जहां धर्मशाला आके लेगा। कई लोगों को दफ्तर का ही पता नहीं, वो इतने परेशान हो रहे हैं।